So hey guys, welcome back to your channel. I'm Numa. I'm Gloria. So guys, आज हम रिएक्शन वाले हैं यार, जो भी एल्विश भाई और जितने भी लफड़े चल रहे हैं इस टाइम सोशल मीडिया पे भाई, उनके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, मतलब ट्रेंडिंग रील्स ये सारी. तो भाई वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को. तो बगैर देर क्यों स्टार्ट करते हैं. दो बचकाने नीलांबर और पीतांबर कल वीडियो बनाए थे, इनका लोकेशन सुबह से मांगा हूं मैं, अभी तक दिया नहीं. बिग बॉस के सेट पे जा रहा हूं अभी, शायद उधर एल्विश यादव मिल सकता है, उधर देखता हूं, नहीं तो मैरियट में रुका होगा. तो मैरियट जा रहा हूं, मैरियट से लाइव करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों शेर है या कुत्ते है जो कल भौंक रहे थे. वो रचित दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो. और एल्विश यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह. ये कब हुआ? ये स्पीड का रिएक्शन है, यही हमारा. और मुंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे. तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा. तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला, इसने मेरा करियर रिवाइव किया है मेरे. सच में भाई ये भाई ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है, मतलब पूरे लफड़े के अंदर. सारे फैंस इसको थैंक यू बोल दो. चलो बड़ा हो कोई नहीं, जरा आपको फेम मिल गया ना, खुश हो. कैरी तू ऊंची लोग अरे ऊंची, समझा गया बेटा? यही होता है, हर बिल में हाथ डालने का, पता नहीं कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ जाए, समझा गया? बाकी एक गाड़ी है मेरे पे रोस ला रहा है वो, उसको दिल्ली से लाऊंगा मैं, बम्बे लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबके आगे, समझा? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना एजाज खान जो है ये सिर्फ एक स्टंट कर रहे हैं, हर एक के साथ पंगे ले रहे हैं, हर एक के साथ, कैरी भाई, पूरव झा के साथ, एल्विश यादव के साथ, ठगेश के साथ, मतलब किस किस के साथ यार, कि कहीं ना कहीं से यार मुझे थोड़ा सा मिल जाए कि मैं बिग बॉस में चला जाऊं. बिग बॉस में जाने के लिए हो सकता है कर रहे हैं इतना फेम भाई, क्योंकि बिग बॉस भी ट्रेंडिंग में पड़े हुए बंदूक उठाता है. ऐसे ही यार मुझे तो यही लग रहा है, लफड़े ये इसलिए हो रहे, इसीलिए हो रहे. गर्लफ्रेंड थी पुरानी का बेटा रिप्लाई आ रहा है वो पूरब झा. अरे बेटा थोड़ा लिहाज रख बेटा, मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था, उसका तो लिहाज रख, ऐसा मत कर बेटा. देख तेरी आंखें मेरे जैसी हल्की हल्की, देखा तू? वेरी चीप यार, इतना चीप कौन जाता है भाई, मतलब इतना तो बुरा रोस्ट भी नहीं किया उन्होंने. ठीक है, मतलब दो बंदों का अगर लफड़ा है तो आपस में इसको सॉर्ट आउट करो, ना कि फैमिलीज पर जाओ. उन्होंने कहीं भी एक वर्ड भी ऐसा बोला जिसे आग लगनी चाहिए इधर, कुछ नहीं बोला यार. सिंपल एक वीडियो जिस तरह से सब बना रहे हैं उसी तरह की वीडियो. पूरब झा चाहे ना भाई, बहुत गंदा रोस्ट कर सकते हैं इनको, ऐसे ही है क्योंकि भाई वो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन आपको पता कितनी हरामी होती है. ये इस एज में आकर यंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी यंग है, तो देख लेना फिर भाई. बहुत मतलब शार्प माइंड बंदा है, बहुत गंदा रोस्ट करेगा अगर ये फैमिली पे आओगे आप, बहुत गलत. ये पर्सनल जाने वाली चीजें नहीं है. So, रिस्पॉन्स आ गया क्या बोलूं भाई, मेरे को हंसी आ रही है भाई, सही में इस उम्र में नहीं भाई, नहीं शोभा देता, मत करो भाई ये चीज. जिस उम्र की बकचोदी कर रहे हो आप, उस उम्र में मैं हूँ तो मैं कितना ब्रूट कितना ब्रूटल और टैंक जा सकता भाई. बटी सही बात है भाई, खुश रहो भाई, मैं तो टैग नहीं करूंगा, जिसको समझना है वो समझ जाओ, मैं टैग देके नहीं फेम देना चाह रहा, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है और अबे इंटर रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है. बिग बॉस इनका T20 वर्ल्ड कप है, सालों बकचोदी करनी पड़ती है तब आता बुलावा, मुझे भी चले जाना चाहिए यार. क्या मैं जा रहा हूँ? क्या ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं अपनी बिग बॉस इंट्रो प्रमोट कर सकूं? छोटी सी लाइन में बिग बॉस को उसका डाला है उसका फैन हूँ. क्या बोलना चाहता कैरी को? पापा को पता नहीं था कि कैरी मिनाट भी कौन है. बेटे को पता, पापा को नहीं पता. लव यू क्या बोलना चाह रहा, बोल उसको. वी लव यू कैरी मिनाटी. ने भी मेरे फैन लोग भी मेरे को मैसेज किए कि भाई कैरी की गलती नहीं है. मेरे को थोड़ा सा समझाने में पब्लिक ने अलग किया, मैसेज किया कि भाई ये यूट्यूब मेरे को यूट्यूब का पता नहीं था जानू के कौन कौन. भाई लाइन पे आ रहे हैं, क्यों नहीं हो रही लड़ाई? लोकेशन भेज दी, एड्रेस भेज दिया है, बदमाशी करनी है तो क्यों नहीं हो रही लड़ाई?
बात सही है भाई, लड़ाई होगी उन्हेरी थोड़ी सी इंतजार में लड़ाई हो भाई। तो दोस्तों बिग बॉस में मेरा दोस्त आया, प्लीज सपोर्ट करो उसको। बाहर हो गया वही मुनावर भाई, बाहर हो गया। अभी छोटी सी क्लिप में इतने बड़े रोस्टिंग कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं। मतलब वैसे कहता है एल्विश भाई को भी ऐसे छोटी सी लाइन में किया था इन्होंने, थोड़ा सा वो भी काफी लफड़ा चल रहा था पिछले दिनों, भाई छोटे से क्लिप में रोस्ट कर देते हैं। मतलब रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, सिस्टम को नीचे रख के। और बहुत सारे नकली गैंगस्टर लोग की आवाज भी बहुत निकली है, तो अभी एक एक का उतारा लेऊंगा, सबका टोटल होगा, सबका हिसाब किताब होगा। आप चाहते हैं एल्विश और कटारिया आपसे माफी मांगे? इतनी स्ट्रॉन्ग है, लवकेश को इतना सपोर्ट कर रहा है, दिखा रहा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसकी आर्मी बोलो या उसके। फैज बलोच का मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो अकेले चूड़ियां भेजने वाले। बलोच भाई की चूड़ियां वैसे अभी तक रिसीव नहीं हुई, मेरे हिसाब से खुद पहन ली होगी। फैजू से मैं मिला, पहली बार मिला, बहुत अच्छा बंदा है और बहुत अच्छे से उसने बात करी, मैंने भी बड़ी रिस्पेक्ट देके बात करी। उसने काफी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे किसी शो से रिलेटेड, हमने भी चार पांच बात अपनी पर्सनल करी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसी दुश्मनी वाली ना, दुश्मनी तो देखो ये वर्ड बहुत बड़ा है दुश्मनी, ना हमारी कभी ऐसी कोई दुश्मनी थी पहले 2020 के टाइम पे, टिकटॉक और से यूट्यूब के टाइम पे कुछ कुछ कह देते थे एक दूसरे को। मैंने फैजू को वैसे कभी बोला नहीं था, मेरे हिसाब से टीम 07 में जो अदनान है बाकी है उन्हीं से ही झड़प रहती थी थोड़ी बहुत, उनसे भी वैसे कुछ पर्सनल हेट नहीं है। तो मैं मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे फैजू भाई से मिलकर, बहुत बड़े बंदा है। मुझे क्यों लग रहा है ये भी लौटा सोल्व होने वाला भाई। हाँ, ये मिस्टर फैजू की भी हमने वीडियो देखी, मतलब काफी बिग बॉस के जो है ना क्लिप्स वायरल जा रहे थे, इसमें दिखा रहे थे बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल वे में दोनों बात कर रहे थे, कुछ भी वैसा नहीं लगा। अदनान जो है इनका बिग बॉस में इन्होंने अपनी जर्नी का बताया ना कि बहुत अच्छा वैसा मान रहा है, और कटारिया काफी अच्छा है, अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो जरूर करूंगा। बट अभी बाहर आकर जो इंटरव्यूज इनके हो रहे हैं उसमें दूसरा लगे हो रहे हैं, जैसे लड़ाई करनी है। और एक व्हाइट टाइगर किधर घूम रहा मार्केट में, मिस्टर फैजू ये चारों अभी नाथना तो इधर होटल में सोच बुलाएंगे। है नहीं उतने बड़े जितने दिखा रहे हैं, बन रहे हैं फुकन के स्टार, क्यों मेरे भी अरमान जगेंगे फिर लाफे उठेंगे, बे संभाल के चल अपना गाल यार भाई। सही बात है, मतलब रेगुलर देख रहे हैं भाई बिग बॉस, प्रॉपर सॉन्ग डाल बना डाला वही ना। एक बार लैला की एक्टिंग कर दे, वो ऐसे ही रहता है आवेदल। तो एक हमारा ना ब्रूनो मार्स का इवेंट आया था थाईलैंड में, कि ब्रूनो मार्स के इवेंट के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स जाने हैं, तो आरुष लैला का भी नाम आया था उस लिस्ट में, और हिमांशु जो मेरा मैनेजर उसने कहा आरुष लैला भी जा रहे हैं, मैंने कहा अरे सही है, मैंने इन बंदों का कॉन्टेंट देखा बड़े बच्चों हैं, तो मैंने आरुष को टेक्स्ट किया भाई आप भी चल रहे हो, मैंने ये किया भाई आप भी चल रहे हो उसका सीधे बिटिया हावे दल्ले हम भी जा रहे हैं पहली बार। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके भाई कल मिलते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है एयरपोर्ट पे मिला वहां दूर से आ भाई बिहारी इधर आ इधर आ इधर आ। मतलब पहली मुलाकात में इस तरह का बिहेव करे जैसे कितने सालों के दोस्त हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव माइंड के हैं वो लोग, है ना, बहुत फ्रेंडली हैं वो लोग, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। कहते पहला मैसेज किया भाई मुझे ना मेरे स्कूल टाइम याद आ गया भाई, इन लोगों के साथ मैं ना ऐसा रिफ्रेश हुआ हूँ ना भाई, मतलब मैं इतना हंसा हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया बंदे लगते हैं। बराबर ही तो है, सब बराबर है, बराबर ही तो नहीं है एल्विश तो का सजड़ा के नाल ली कमाई का। तो भाई ध्रुव राठी का फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है किसी को रोस्ट कर रहे हैं भाई इस तरीके से, मतलब ये जब ये आवाज निकली ना ऐसे है उधर के थोड़ा वो बहुत सही फर्स्ट टाइम देखा रोस्ट कर रहे हैं। अब एल्विश भाई भी बोल रहे थे आ रहा है पार्ट 2 इसका, तो देखते हैं भाई उनका क्या रिप्लाई होता है इसके ऊपर। एक्चुअल में हम इन चीजों पर रिएक्शन करते नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो रोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं ना एक दूसरे को वो यार वो साइड पे रखते हैं, बट फैन एडिट्स देखते हैं वो ज्यादा अच्छी है यार, लफड़ों में नहीं पड़ते हम लोग। गुड बॉय। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि इनका टीम का नाम है 07 बट बंदे 5 हैं, तो ये बाकी 2 कहाँ पे हैं? मैं जरूर इसका जवाब दूंगा, बाकी 2 कटारिया और एल्विश हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी अंदर लेने वाले हैं। बहुत जल्दी ले लो भाई, हम वैसे भी बहुत वेट कर रहे हैं आपकी टीम में आने का भाई 100%, क्योंकि नाम बहुत बन चुका है, खराब करने का टाइम आ गया सर। ये खतरनाक था भाई, पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर डाला। अगला आरोप ये देखिए स्वैग देखिए, ये है जी लोला, ये है दबदबा, इसे बोलते हैं असली क्रेज, जैसे आते हैं लेजेंड्स।
समझ आता कौन सी वीडियो पहले लेकर आए तो फिर एंड पे हम कहते हैं लफड़े ही ले आते हैं बाकी वीडियोस बाद में ले आएंगे जो भी शर्रा वो लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं ऐसी है मतलब किन किन का लफड़ा चल रहा है नान वर्सेस एल्विस चल रहा है एल्विस वर्सेस क्या नाम है इनका एजाज खान महेश तो वो क्या महेश कह रही यार ठगेश भाई का नाम थोड़ा बड़ा है ना तो ऐसे ही है इस तरह से यार एल्विस वर्सेस ध्रुव राठी भी चल रहा है ध्रुव राठी ने रिप्लाई किया एल्विस भाई बोल रहे हैं पर सबने है कौन एल्विस भाई एल्विस भाई का भी बोल सकता है क्या बात करें लफड़ों की तो बहुत अच्छे थे लफड़े हमें तो काफी अच्छे लगे हैं तो मिलते हैं अगले।